प्रेम के अथाह सागर में डूबी वो दीवानी, जिसके दिल में प्यार की ऐसी आंधी उठी कि उसे ना खुद का ख्याल रहा, ना ही समाज की परवाह, ना ही जाति का बंधन दिखा और ना ही उम्र का होश रहा। तभी तो अपने से 30 साल बड़े प्रोफेसर के प्यार में ऐसे मदहोश हो गई कि मोहब्बत की गलियारों में लैला मजनू रोमियो जूलियट की तरह जूली और मटुकनाथ के इश्क की जोरदार चर्चाएं होने लगी। दरअसल गुमनामी के सागर में डूबी जूली और मटुकनाथ की ये प्रेम कहानी 2004 में शुरू हुई। पटना के बीएन कॉलेज में पढ़ने वाली जूली तब बेहद खूबसूरत दिखा करती थी। मटुकनाथ जूली के दीवाने क्यों हुए यह हर पुरुष मन समझ सकता है, लेकिन जूली अपने से 30 साल बड़े प्रोफेसर के प्यार में कैसे पागल हो गई, इस बात को समझने के लिए लोगों को प्यार की परिभाषा का सहारा लेना पड़ा। दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि जूली और मटुकनाथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। शादीशुदा प्रोफेसर मटुकनाथ को समाज के ताने सुनने पड़े, नौकरी से निकाल दिए गए, पत्नी से तलाक भी हो गया। अब मटुकनाथ सिर्फ जूली के सहारे थे। कुछ दिनों बाद जूली भी मटुकनाथ से दूर हो गई। एक समय में प्यार की मिसाल बनी ये जोड़ी अब अलग हो चुकी है। फिलहाल मटुकनाथ भागलपुर में स्कूल चलाते हैं। बिहार के लवगुरु मटुकनाथ ने अपनी प्रेम कहानी को लेकर क्या कहा, पहले ये सुनिए। सर, जूली आपके साथ नहीं है अभी जी। और पत्नी भी नहीं है जी। जी। तो कितना खुश हैं आप, कैसे खुश हैं, कारण क्या है खुशी का? ये अच्छा प्रश्न है, यही सब पूछा जाना चाहिए कि खुशी क्यों है, खुश किस कारण से है। तो दो चीज को समझ लेनी चाहिए। पहली चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि सुख वहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, पत्नी से आ रहा है, बेटा से आ रहा है, बेटी से आ रहा है, दोस्त से आ रहा है, प्रेमिका से, प्रेमी से आ रहा है, तो आप भ्रम में हैं। ये भ्रम है। अगर सही ढंग से होश पूर्वक आप जिएंगे तो सबसे पहला ही पता यही चलेगा कि आनंद का झरना हमारे भीतर है। अब बाहर बहाना है, जैसे हरियाली है, हरियाली ये सबके सामने है, हमारे सामने भी हरियाली है, तो हमें आकर्षण इतना बड़ा है कि मैं पटना छोड़ के यहाँ आ गया इस हरियाली के लिए, और यहाँ जो है उसको पता नहीं, उसके दिमाग में पटना बसता है। बेटे को ही सब कुछ मान लें, अपनी पत्नी को ही, अपनी प्रेमिका को ही सब कुछ मान लें, तो फिर आपका प्रेम सीमित हो गया और आपको दुख होगा। मैं एक दूसरे ढंग का आदमी हूँ, जिसमें मेरा प्रेम किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं। मैं एकांत में रहूंगा तो कभी कभी तो एकांत में रहना मुझे ज्यादा पसंद है। मटुकनाथ की प्रेम कहानी शादी से होते हुए जूली की दीवानगी तक पहुंची। ऐसे में जब लवगुरु से शादी और प्रेम के बारे में पूछा गया तो मटुकनाथ ने कहा, शादी बंधन है और प्रेम स्वतंत्रता। इतना ही नहीं, शादी को लेकर लवगुरु ने चौंकाने वाली बात कह दी। शादी का मतलब समझाते हुए मटुकनाथ ने क्या कहा, सुनिए। शादी है बंधन, प्रेम है स्वतंत्रता, निर्बंध स्वच्छंद होता है प्रेम, वो है बंधन। आज जो ही बंधन हो गया, पराधीनता आ गई, तो पराधीनता को कोई आदमी पराधीन सपने हो सुख नाही, तुलसीदास की पंक्ति, पराधीन कह जाए, पराधीन कह सपनों सुख नाही, तो आपको सुख जीवन से खत्म हो जाएगा। और शादी में देखिएगा, शादी पत्नी को लेकर, पति पत्नी के रिश्ते को लेकर जितना लतीफा, जितना चुटकुला बना है, और जितने कवियों ने उस पर लिखा है, हास्य कलाकारों ने लिखा है, उतना किसी भी विषय पर चुटकुला नहीं। शादी का मतलब प्रेम, जब तक स्वतंत्र रहता है तो वो पलता है, स्वतंत्रता में प्रेम पलता है। जैसे पौधे की तरह है प्रेम, प्रेम को आप बंधन ऊपर पे छत दे दीजिए, छाया दे दीजिए, पौधा कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। पौधा को खुला आकाश चाहिए बढ़ने के लिए, वैसे ही प्रेम को बढ़ने के लिए खुला आकाश चाहिए, और शादी खुला आकाश नहीं देती है। इसी जगह रहना, इस उबा हुआ है घर घर, इसलिए सब आदमी के भीतर प्रेम की तरस छिपी हुई है शादी वालों के भीतर, तो शादी तो प्रेम की मृत्यु है एक तरह से। कभी जूली के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहने वाले लवगुरु मटुकनाथ आज अकेले हैं। ना ही पत्नी का साथ है और ना ही जूली का प्यार।